इस वजह से तो इतनी दूर जा रहे हैं, रोजगार तो है ही नहीं हमारे, तो वहाँ पानी भी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं। तो शादी होगी आपकी? नहीं नहीं। क्यों नहीं हुई? वहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, बेरोजगार हो इसलिए शादी नहीं हुई, इसलिए शादी नहीं हुई। यहाँ काम नहीं है? नहीं काम तो है नहीं, यहाँ पे दम नहीं है, काम नहीं, दम नहीं है। अच्छा वहाँ जाना चाहते हो? अब वहाँ तो युद्ध भी है, ये रह जाएगा भाई युद्ध वाले के चक्कर में। क्या आप शादी होगी आपकी? नहीं, अनमैरिड है। क्यों नहीं हुई अब तक? कितनी उम्र हो गया? मैं करवाई नहीं अभी, अब करवाई नहीं। रोजगार के कारण शादी नहीं हुई कि वैसे ही? रोजगार के कारण, रोजगार के कारण। अगर वहाँ युद्ध जैसी हालात है, बमबारी हो रही है, तो डर नहीं लगेगा? यहाँ भूखे मरने लग रहे हैं, इससे अच्छा बम पड़ जाएगा तो मर जाएगा, तो वो भी अच्छा है। मैंने तो 10 बार अप्लाई कर लिया, ITI होल्डर हूँ मैं, मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कारपेंटर का, लेकिन अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिली हरियाणा में। वहाँ तो युद्ध नहीं था, इसराइल में युद्ध? आज से नहीं डरता। अच्छा। इंडिया वाले डरते नहीं युद्ध से। बाहर इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ जो सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो गरीब आदमी के हक में नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ उनके बारे में, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है भाई, अनपढ़ कैसे गुजारा करता है, जिसके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, किराए पर जो रहता है, इसके लिए बाहर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इसराइल में जाने वाले जो युवक हैं, आज आखिरी दिन है, और ये जो 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का समय था, और तमाम जिस तरह से जो हरियाणा से नहीं, दूसरे राज्यों से भी, यूपी, राजस्थान, पंजाब से भी हुआ है, लेकिन 2 दिन जो है, शनिवार और जो आज रविवार है, आज जो है सिर्फ हरियाणा के जो युवक हैं उनके लिए भर्ती के लिए। आप कहाँ से आए हो जी? मैं बड़शेगरी से। अच्छा, ये बताओ क्यों आए हो, कहाँ जाना चाहते हो? इसराइल में। क्या कर रहे हो? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। यहाँ काम नहीं है? नहीं काम तो है नहीं, यहाँ पे दम नहीं है, काम में दम नहीं है। अच्छा वहाँ जाना चाहते हो? अब वहाँ तो युद्ध भी है, ये रह जाएगा भाई युद्ध वाले के चक्कर में, के चक्कर। तो यहाँ वहाँ जाके खुश हैं आप? खुश हाँ। अच्छा आप शादी होगी आपकी? नहीं, अनमैरिड है। क्यों नहीं हुई अब तक? कितनी उम्र हो गया? मैं करवाई नहीं अभी, अब करवाई नहीं। रोजगार के कारण शादी नहीं हुई कि वैसे? रोजगार के कारण, रोजगार से। आए हो? हम आए जी बुलाना थे। बुलाना से क्या करोगे वहाँ पर? जी काम करेंगे जाके। काम करोगे? हाँ जी। क्या काम करोगे? जो काम मिलेगा जी। आपका क्या नाम भाई? सुनील है जी। सुनील कहाँ से आए हो? आदमपुर मंडी से। आदमपुर मंडी, क्या करने आए हो? कारपेंटर का काम है इसराइल के लिए। अच्छा, ये बताओ जी, आप वहाँ यहाँ काम नहीं है क्या? काम है लेकिन कम है जी। कम है? हाँ जी। तो वहाँ सैलरी कितनी दे रहे हैं आप लोगों को? सैलरी आज के आरन में नोटिस में तो आया कि 1,37,000 कुछ समथिंग है। अच्छा जी। तो यहाँ काम धंधा नहीं है? कम है जी, काम तो है लेकिन कम है। तो आप वहाँ इसलिए जाना चाहते हो कि यहाँ पे रोजगार नहीं है आप लोगों के? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कहाँ से आए हो जी? मैं यही रोहतक से हूँ। अच्छा, पहली बार रोहतक से मिला है बंदा जो रोहतक से है, नहीं तो अब तक जितने आए रोहतक का नहीं मिला था। तो आप क्यों जाना चाहते हो इसराइल? बाहर इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ जो सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो गरीब आदमी के हक में नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ उनके बारे में, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है भाई, अनपढ़ कैसे गुजारा करता है, जिसके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, किराए पर जो रहता है, इसके लिए बाहर जा रहे हैं। तो आप वहाँ क्या करोगे? वहाँ लिपाई का काम। अच्छा, लिपाई का काम करोगे? राजमिस्त्री हैं? राजमिस्त्री। अच्छा, कितनी सैलरी देंगे वहाँ पे आप? सैलरी उसमें तो अखबार में दे रखी थी 1,38,000 रुपये, लेकिन वहाँ पर 38,000 रुपये देंगे तब भी हम काम कर लेंगे। तो आपकी शादी होगी? शादी होगी, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, तो अब रोजगार नहीं है इसलिए? रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। अप्लाईमेंट में नाम दर्ज करवा रखा है, और कौशल योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ITI कर रखी है, अप्रेंटिस लगवा रखी है, 38 जगह अप्लाई कर रखी है ITI में, लेकिन आज तक अभी अप्रेंटिस नहीं लगी, और ना कोई ये बताता भाई कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। अच्छा, आज आखिरी दिन है, तो पहले नहीं पता चला था? पहले पता था, पहले बाहर के यूपी बिहार के ज्यादा आए हुए थे, तो इसलिए नंबर नहीं आ रहा था। ये सरकार ने अच्छा काम किया भाई कि हरियाणा वाला का ID देख कर हरियाणा वाले को अंदर जाने दे रहे थे, बाहर वाले को नहीं जा रहे थे, क्योंकि हरियाणा के आदमी की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ के तो पहले ऑलरेडी इंटरव्यू लिए, अब वहाँ पर के आदमी भी यहाँ का इंटरव्यू दे देते तो हरियाणा में। तो बताओ जो लेबर तबका है, वो तकरीबन हरियाणा से जो यहाँ पर आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, तमाम दूसरे राजस्थान से आते हैं, तो हरियाणा का जो आदमी है वो काम करने में इतना सक्षम क्यों नहीं है? हरियाणा वाला काम करने में सक्षम है, लेकिन क्या है, काम करवाने वाले अच्छी तरह नहीं मिलता, काम करवाने वाला अच्छा मिल जाता है तो वो लेबर कम देता है। अगर सारी लेबर वहाँ पहुंच गई तो यहाँ नहीं दाढ़ी ज्यादा हो जाएगी फिर? यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा, यूपी बिहार कमी, काफी लेबर आती है यहाँ पे।
अब जाना चाहते हो अगर वहाँ युद्ध जैसी हालात है, बमबारी हो रही है, तो डर नहीं लगेगा? यहाँ भूखे मरने लग रहे हैं, इससे अच्छा बम पड़ जाएगा तो मर जाएंगे, तो वो भी अच्छा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? भाई साहब राम राम, शिव कुमार नाम है मेरा। शिव कुमार जी, कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट जींद गांगोली गांव से आया। अच्छा, ये बताओ कहाँ रोहतक में क्यों आए हो आप यूनिवर्सिटी में? मैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ये निकली हुई है स्कीम, में इसका फायदा उठाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो वहाँ क्या करोगे आप? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, लकड़ी का। तो यहाँ काम कुम है अच्छे से आप लोग? मेरा अच्छा काम है। तो फिर इजराइल क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वहाँ तो युद्ध जैसे हालात है। पहले इराक गया था मैं, फिर दुबई गया, फिर मलेशिया गया, मलेशिया से अभी यहाँ आगे जाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, वहाँ तो युद्ध नहीं था, इजराइल में युद्ध? विवाद से नहीं डरता। अच्छा। इंडिया वाले डरते नहीं युद्ध से। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। शादी होगी आपकी? हाँ जी, शादी होगी। तो बच्चे? बच्चे जी तीन है, एक लड़की दो लड़के। ये बताओ यहाँ रोजगार आपको अच्छा है, मिल बता रहे हो, आप फिर वहाँ जाना चाहते हो, तो क्यों? मतलब मलेशिया गया हुआ था मैं, वहाँ से डिपोर्ट हो गया था, मेरा पासपोर्ट कंपनी वालों ने रख लिया उधर, तो मैं वहाँ 3 साल लगा के आया मलेशिया। तो उन्होंने ना फिर 2 नंबर में बंधवा मजदूर की तरह काम करवाने लगे, मैं वहाँ से निकल गया था, 2 नंबर में काम किया मैंने। अच्छा, एक और बात है, जो पहले ई पोर्टल से रजिस्ट्रेशन, जो भी मजदूर बाहर जाते हैं तो उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, इस बार नहीं है, तो क्या लगता है कि जिसको हरियाणा गवर्नमेंट की कोई नई पहल हो? ये तो भारत सरकार इसराइल के भी समझौता हुआ ना, ये तो सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं हरियाणा सरकार। तो देखो जियो, तो जब देखेंगे तभी पता लगेगा। हमने तो रजिस्ट्रेशन कौशल में मैंने 6-7 बार कर लिया, और मेरा बीपीएल कार्ड है जैसे, तो तकरीबन गरीब तबका ही जा रहा है जमा बार, जो तो अभी जब हम जाएंगे तब मानूंगा मैं, तो भाई बीपीएल वाले ने भेज रहा है। मैंने तो 10 बार अप्लाई कर लिया, आईटीआई होल्डर हूँ मैं, मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कारपेंटर का, लेकिन अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिली हरियाणा में। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हो इतनी दूर, तो क्या इसराइल में क्या करना चाहते हो? मजदूरी के लिए। मजदूरी क्या काम करोगे? सरियों का काम करेंगे। भाई वहां पे खड़ा जाओ, सरियों जाल बनाएगा, सरियों का जाल बनाओगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग वहाँ जा रहे हो, तो क्या यहाँ रोजगार नहीं आप लोगों के? नहीं है, रोजगार तो है ही नहीं, जब तो इतनी दूर जा रहे हैं, इस वजह से तो इतनी दूर जा रहे हैं, रोजगार तो है ही नहीं। हमारे तो वहाँ पानी भी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं। तो शादी होगी आपकी? नहीं नहीं। क्यों नहीं हुई? वहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, बेरोजगार हो, इसलिए शादी नहीं हुई? इसलिए शादी नहीं हुई। अच्छा, ओम प्रकाश धनखड़ तो कहता था कि यूपी बिहार से आप लोगों की शादी करवा देंगे। तो वो तो कहेगा, लेकिन यूपी बिहार वाले करवाएगा जब ना। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हेमंत। हेमंत कहाँ से आए हो? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से आए हो आप, तो आपको कैसे पता चला इस बारे के भाई इजराइल में भेज रहे? मेरे गांव के 2-3 बंदे आए थे यहाँ पे, वो हाँ पहले 2-4 दिन पहले आके चले गए, उनके पास मैसेज आया था, वो यहाँ पे वर्कशॉप में आए थे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देकर चला गया वो, फिर उसने हमें बताया कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा सिस्टम। अच्छा, ये बताओ आप इजराइल जाना चाहते हो, वहाँ तो युद्ध जैसे हालात हैं, तो आप क्यों जाना चाहते हो जिस तरह? तो से एक इच्छा हो गई जाने की, या कि भाई वहाँ पे चलना है, फिर सैलरी अच्छी मिल रही है वहाँ पे, मतलब मेन बात तो यही है कि सैलरी अच्छी मिल रही है भाई, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। जान सा कोई डर नहीं? डर किस बात का, हमें कोई डर नहीं। यहाँ रोजगार नहीं आप लोगों को? है, मैं जॉब करता हूँ, इरीगेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो फिर भी जाना चाहते हो? हाँ, मैं अगर नंबर पर जाकर चला जाऊँ यहाँ रिजाइन देकर। स्थाई हो या परमानेंट या डीसी? डीसी रेट पे हूँ, वहाँ जाना चाहते हो। आप देख रहे थे कि जिस तरह से हमने जो है इजराइल जाने वाले लोगों से बात की, उनका कहना है कि जो हरियाणा में जो है वो रोजगार नहीं है, खासकर हमने वो लोग से भी ज्यादा यहाँ पर आए जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि शादी नहीं होने के कारण उन्हें बताया कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी का रोजगार नहीं होने के कारण उनकी शादी नहीं हुई। और साथ में उनका ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर रोजगारी नहीं है और वहाँ पर जाएंगे तो उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, और इस वजह से वो यहाँ जाना चाहते हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।